सो वी आर रीडिंग दिस सी सी आर टी इंडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन इसमें हम आर्ट आर्किटेक्चर एंड कल्चर इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं सी यहाँ जो तीन मेन सेक्शन हैं वो ये हैं पहला तो है विजुअल आर्ट्स का देन विजुअल आर्ट्स में ये सारे इसके पूरे सेक्शन हैं इंडियन आर्किटेक्चर इंडस सिविलाइजेशन स्कल्पचर एंड पेंटिंग सो दिस इज़ विजुल आर्ट्स जो आप देख सकते हो आँखों से जो दिखता है दैट इज़ विजुल आर्ट्स परफॉर्मिंग आर्ट्स में वो होता है जो आप परफॉर्म करते हैं जैसे हम डांस फॉर्म परफॉर्म करते हैं म्यूजिक करते हैं थिएटर करते हैं पपेट करते हैं दैन एक और आर्ट फॉर्म होता है वो होता है लिटरेचर सो so, हम इस सी सी आर टी को हमारा सोर्स मटेरियल है इससे हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं आज लास्ट वीडियो में हमने इसका एक जनरल ब्रीफ आइडिया देख लिया था विजुअल आर्ट का इसमें अब हम कुछ चेंजेस ये कर रहे हैं कि अलोंग विद दिस आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस नोट्स अलोंग विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो उससे ये होगा आपका रिवीजन भी इजी होगा और वो पी डी एफ नोट आई विल बी शेयरिंग विद यू इन टेलीग्राम चैनल तो आज हम बात करेंगे दिस इंडस सिविलाइजेशन की सो दिस वुड बी द फॉर्मेट सी ये पी रहेगा ये पी आपको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा इसमें मैं एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन नोट्स हैंड रिटन और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस ये सारा मटेरियल यहाँ पे आई वुड ट्राई टू प्रोवाइड यू हम एक वीडियो में एक टॉपिक की बात करेंगे ताकि बहुत डीक लटर भी नहीं हो ये ज़्यादा लंबा और ऐसा भी नहीं हो ये ठीक है सो लेट अस टॉक अबाउट दिस इंडस सिविलाइजेशन सी अब ये जो इंडस सिविलाइजेशन है ना ये आर्किटेक्चर में भी है और स्कल्पचर में भी है दोनों में डिफरेंस होता है आर्किटेक्चर का मीनिंग होता है लाइक बिल्डिंग्स एंड ऑल दे आर मैसिव, बिग होते हैं साइज़ में और जो स्कल्पचर्स होते हैं ये स्मॉल स्मॉल होते हैं जैसे फिगर आइन आप देख सकते हो सो दीज आर स्मॉल थ्री होते हैं थ्री डायमेंशनल होते हैं तो ये सिविलाइजेशन का हम स्कल्पचर भी देखेंगे और आर्किटेक्चर भी देखेंगे वट आई एम इज कि जो इसका फॉर्मेट होगा ना वो हम इसको सेपरेट चैप्टर में देखेंगे तो इस वीडियो का जो स्कोप है वो ये है कि इसका जो कंटेंट है और उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन में देर इज अ बहुत सारी बातें करने के लिए है बट वो हम किसी सेपरेट रेस्पेक्टिव वीडियो में करेंगे अभी जो कोर्स है हमारा वो हम इस वेबसाइट का कंटेंट फॉलो कर रहे हैं और ये गवर्नमेंट वेबसाइट है तो इसका कंटेंट ऑथेंटिकेट है ऑल राइट सो अभी हम बात करते हैं आर्किटेक्चर और दिस स्कल्पचर तो आर्किटेक्चर क्या होते हैं ये बड़े होते हैं लाइक बिल्डिंग्स एंड ऑल दीज आर आर्किटेक्चर तो अभी हम इंडस सिविलाइजेशन का जो पुरानी इंडस रिवर बेस्ड सिविलाइजेशन है उसके आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सी अर्लीस्ट रिमेन्स हैं जो इंडस सिविलाइजेशन में इंडियन आर्किटेक्चर के ये कहाँ पे फाउंड होते हैं हरप्पा मोहनजोदारो रोपर कालीबंगन लोथल और रंगपुर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं इंडस वैली के आप एक वर्ल्ड मैप देखिए और यू गो टू दिस वेबसाइट या आप विकीपीडिया में जाइए या ब्रिटानिका वेबसाइट में जाइए ये सब आपको इजीली फ्री कंटेंट है यहाँ पे इन सब का आप देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये सारे मैप में देखिए कहाँ इनकी लोकेशन है दिस विल हेल्प यू बिलोंगिंग टू अ सिविलाइजेशन जिसका नाम है इंडस वैली कल्चर और द हरप्पन कल्चर ओके ये करीब पाँच हज़ार साल पुरानी है ये थर्ड मिलेनियम बीसी में आई थी बीसी क्या होता है जैसे अभी 2020 चल रहा है ना हम रिवर्स जाएंगे जीरो आएगा इसके 2020 चल रहा है हम रिवर्स जाएंगे जीरो आएगा इसके बाद जो होगा वो होगा बी और अभी है ए एनो डोमिनी सो ये है अराउंड थर्ड मिलेनियम बी सी lot of building activity went on in these areas, जैसे कि town planning town planning यहाँ की बहुत exceptional थी town planning बहुत अच्छी थी यहाँ पर burnt brick करते थे brick मतलब जैसे जो मिट्टी से अपन clay से brick बनाते हैं इसको जब burn कर देते हैं तो ये हो जाती है hardened, सो देट इज़ वाई ये वाली जो ब्रिक होती है ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है तो so इमेजिन इतने साल पहले भी ये जानते थे बर्नड ब्रिक की प्रैक्टिस को वॉज वाइडली यूज रोड्स वर वाइड एंड एट राइट एंगल मतलब ऐसी चौड़ी चौड़ी रोड्स होती थी और ये एक राइट right एंगल में इंटरसेक्ट करती थी तो इमेजिन कितना अच्छा इनका प्लानिंग था देन वाइड एंड राइट एंगल थी एक यहाँ पे सिटी ड्रेन थी ड्रेन मतलब नालियाँ जैसे ये रोड थी रोड के साइड में इन्होंने कवर्ड नालियाँ बना रखी थी ऐसे देन ग्रेट स्किल्स थी ये फोर्थ थाट था कारबिल्ड आर्क एंड बाथ आर्क एंड बाथ भी था द ग्रेट बाथ हैड दैट नीम बाथ वर् कंस्ट्रक्टेड विद नॉलेज एंड स्किल था और ये इतने साल पुराने इतना नॉलेज एंड स्किल होना दिस दैट इज एक्सेप्शनल बट विद द फ्रैगमेंट्री रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाई दिस पीपल इट इज़ नॉट येट पॉसिबल टू नो इनफ अबाउट द आर्किटेक्चरल स्किल एंड टेस्ट ऑफ द पीपल तो दो रीज़न है एक तो ये बहुत पुराना है और बहुत कम है तो इतनी कम इन्फॉर्मेशन से इतने कम स्ट्रक्चर से हम कॉन्क्लूसिव वे में नहीं बता सकते हैं कि इनका टेस्ट क्या था आर्किटेक्चर का हाउ एवर वन थिंग इज क्लियर द एक्सटेंट बिल्डिंग डू नॉट गिव अस एनी क्लू एज टू द एस्थेटिक्स कंसिडरेशन एंड देर इज अ सर्टेन प्लेनलेस अबाउट द आर्किटेक्चर विच मे बी ड्यू टू देयर फ्रेगमेंटरी एंड रून कंडीशन फ्रेगमेंटरी मतलब एक साथ नहीं है कंसोलिडेटेड तितर बितर है फ्रेगमेंटेड है और रियून कंडीशन है मतलब डायलापिडेटेड। ये काफ़ी नहीं है अच्छी पोजिशन पर आज की डेट में बिकॉज टाइम टेस्ट ऑफ टाइम इतना ज़्यादा टाइम हो गया तो ये र्यून हो गई है दे डज़ नॉट अपीयर टू बी एनी कनेक्शन विद सिटीज बिल्ट इन थर्ड मिलेनियम बी सी विद एन एस्टोनिशिंग सिविक सेंस फर्स्ट रेट वेल फायर्ड ब्रिक and एंड द आर्किटेक्चर ऑफ thousand थाउजेंड ईयर्स so ऑफ इंडियन आर्ट हिस्ट्री but after the decline and decay of the Harappan civilization in the beginning of historic period ये इंडिया का हिस्ट्री का पूरा एक टाइमलाइन है historic period mainly the time of great मौर्य मौर्य ऑफ मगध मगध कहाँ था आज का बिहार था ये बहुत वेल well फ्लरिश्ड एरिया माना जाता था मगध का एक टाइम पे देन दीज थाउजेंड ई ईयर्स सो वर अ पीरियड ऑफ ट्रेमेंडस इंटेलेक्चुअल एंड सोशोलॉजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे काफ़ी हुई थी एंड कुड नॉट बी बैरन ऑफ एनी आर्टिस्टिक क्रिएशन पर हाव एवर ड्यू टू द फैक्ट दैट ड्यूरिंग दिस टाइम स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर वॉज यूटिलाइजिंग ऑर्गेनिक एंड पेरिशेबल मटेरियल पेरिशेबल मटेरियल क्या होता है जैसे मड हुआ मड ब्रिक हुआ बैम्बू हुआ टिम्बर हुआ लीव स्ट्रॉ थैच ये जो चीज़ें होती है ना ये सर्वाइव नहीं कर पाती हैं द रेवेज ऑफ टाइम मतलब टाइम के साथ आप जैसे मिट्टी का कोई मकान बनाओ आफ्टर सम टाइम वो अपने आप ढहने लगता है लकड़ी का है टिम्बर का है थॉ मड ब्रिक है ये सब लॉन्ग लास्टिंग नहीं है तो दे कैन नॉट सर्वाइव द रेवेज ऑफ टाइम सो दैट इज़ वाई हम कॉन्क्लूसिवली नहीं कह सकते कि इन्होंने जो बहुत अच्छा काम किया होगा वो लास्ट मतलब क्या है हमारे पास उसका कॉन्क्लूज एविडेंस नहीं है बिकॉज वो सर्वाइव नहीं कर पाया है शायद रेवेजेज ऑफ टाइम सो दैट इज़ वाई आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल व्यू है हाउस लोथल का यहाँ की टाउन प्लानिंग अगेन दैट वॉज एक्सेलेंट देन नो अबाउट द लोकेशंस ये बहुत ऑर्गेनाइज थी इनकी ग्रैनरीज बहुत अच्छी थी वीट को स्टोर वीट और जो इनका वीट नहीं वी कैन नॉट से वीट बट इनका जो फूड था ग्रेन्स थे ग्रेन्स ये प्रॉपरली यहाँ पे स्टोर करते थे तो इनके पास ग्रेनरी भी थी यहाँ पे देन टू इम्पॉर्टेंट रिमेन्स ऑफ द ओल्डेस्ट टाइम आर फोर्टिफिकेशन ऑफ ओल्ड राजगृह टाउन इन बिहार तो ये एक और ओल्ड है फोर्टिफिकेशन है यहाँ पे राजगृह राजगृह कहाँ पे था मॉडर्न डे बिहार में एंड द फोर्टिफाइड कैपिटल ऑफ दिस शिशुपाल गढ़ ये भी अगेन पुराने आर्किटेक्चर है पर एंशियन काली नगर नियर भुवनेश्वर भुवनेश्वर इन ओडिशा सो so, राजगृह का जो फोर्टिफिकेशन है वॉल इज मेड ऑफ द रफेस्ट पॉसिबल मैनर स्टोन्स ए पाइल्ड अब वन ओवर द अनदर तो ये उस टाइम का आर्किटेक्चर बता रहे हैं दिस बिलोंग टू सिक्स टू फाइफ सेंचुरी बी सी हाव एवर शिशुपालगढ़ जो है ये सेकेंड टू फर्स्ट सेंचुरी बी सी में है या स्टोन मैसन्स है स्टोन की जो मैसन्स हैं बिल्डर्स एट वर्क यूजिंग लार्ज ब्लॉक्स ऑफ स्टोन टू मेक अ वेरी वेल मेड फोर्ट एंट्रेंस एंड दिस कुड भी क्लोज विद अवज डोर टर्निंग ऑन हिंजस मतलब उन्होंने ऐसा एक डोर बनाया और वो हिंजस में ऐसे टर्न हो सकता था ऐसा डोर बनाया और वो हिंजस में ऐसे टर्न हो सकता था दैट टेल्स कि वहाँ के जो स्टोन मैसन्स थे देवर अगेन वेरी इनोवेटिव इन्नोवेटिव थे तो नो दिस नेम राजग्रह फोर्टिफिकेशन काली नगर एंड शिशुपालगढ़ शिशुपालगढ़ राजगृह सिक्स एंड फिफ्थ सेंचुरी मैनी टाइम्स आप देखते होंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ गया है वो क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है स्पेशली इन कल्चर आर्ट आर्किटेक्चर वो क्वेश्चन कहाँ से आता है वो क्वेश्चन यहाँ से आता है इन सब सोर्सेज से आता है या तो हिंदू न्यूज़पेपर जो हम डेली एनालिसिस करते हैं उसमें कई बार वो कवरेज रहती है या फिर एट टाइम्स इसमें डिटेल में ये सब चीज़ें नहीं आ पाती हैं बुक्स में तो वो एडिशनल सोर्सेज से वो पूरी चीज़ें कवर की गई होती है नाउ यहाँ लिखा है वी नो दैट वी नो इट फॉर अ फैक्ट दैट स्टोन मैसनरी एंड स्टोन काविंग वर इम्पोर्टेड इन अशोकास टाइम फ्रॉम पर्शिया वॉट इज पर्शिया पर्शिया ईरान है इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है हमारे यहाँ आर्किटेक्चर में इवन जो पेंटिंग्स एंड ऑल देखेंगे अपन अकबर के टाइम पे देन इसमें भी पर्शिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है सो देर इज अबन्डेंट एविडेंस ऑफ स्टोन मैसेंस मार्क्स सिमिलर टू दोज एट पैरसो सो पर्शिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पे दिख रहा है हावेवर वुड वॉज स्टिल द डोमिनट मटेरियल एंड आर्किटेक्चरल रिमेन्ज ऑफ अशोकन टाइम्स द ग्रेजुअल ट्रांजिशन फ्रॉम वुड टू स्टोन इज एपरेंट तो अभी भी जो इंडस वैली की प्रॉब्लम थी कि इन्होंने पेरिशेबल मटेरियल से सब बिल्डिंग्स बनाई थी वो कंटिन्यूड है अभी भी बट अशोका का जो टाइम आया तो अशोका ने अब स्टोन यूज करने लग गए सो दैट इज वाई यू वुड सी कि अशोक के जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं स्टोन के पिलर्स हैं वो आज भी टेस्ट ऑफ टाइम सर्वाइव करके आज भी एग्जिस्टिंग है बिकॉज स्टोन डिग्रेड नहीं होता है जबकि जो वुड होती है ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ये ओवर द टाइम डिके हो जाते हैं सो दिस इज़ वॉट इट इज़ रिटर्न कि ये अभी तक है अपेरेंट था अशोका के टाइम पे एट पाटली पुत्रा रिमेन्स एट पाटली पुत्रा रिमेन्स दिस हैव बीन फाउंडेड ग्रेट टिम्बर वॉल ग्रेट टिम्बर वॉल वहाँ पे फाउंड हुई है दैट वन सराउंडेड द इम्पीरियल कैपिटल अफैक्ट क्लियरली मैंशन बाय मैगस्थनीज अभी मैगस्थनीस कौन है ये एक ग्रीक हिस्टोरियन रहा है और इसकी बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है इंडिका मैगस्थनीज वो स्टेट्स दैट एवरी थिंग इन हिस डे वॉज बिल्ड ऑफ टिम्बर इन इंडिया तो सी इंडिया में ना एक और प्रॉब्लम थी अगर आप हिस्ट्री डिटेल में देखोगे तो क्रोनोलॉजी नहीं रहती थी क्रोनोलॉजी मतलब टाइम नहीं अच्छे से क्लैरिफाई करते थे हिस्टोरियंस तो ये जो बुक है बुक है बाय दिस ग्रीक हिस्टोरियंस इंडिका इसने काफ़ी हद तक हमारी हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को क्लियर किया है कि इसके बाद कौन राजा था फिर कौन था फिर कौन था तो टाइम फ्रेम जो था वो इसमें बहुत अच्छे से क्लैरिफाई ये ग्रीक हिस्टोरियन थे हवे व देर इज़ वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस एंड दैट इज द रॉक कट आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया वी आर इंक्लूडिंग रॉक कट क्या होते हैं देखो ये रॉक है रॉक मोस्टली होती है लाइक इग्नियस रॉक एंड हार्ड रॉक होती है यह, ताकि इसमें जो अंदर से हम कट करते हैं और कोई आर्किटेक्चर बना लेते हैं जैसे एलोरा के आप देखो या फिर केव्स देखो अजंता एंड एलोरा सो दीज आर कॉल्ड रॉक रॉक मतलब चट्टान चट्टान को काट के बनाया गया आर्किटेक्चर इज कॉल्ड रॉक कट आर्किटेक्चर तो एक ये रॉक कट आर्किटेक्चर है बिल्डिंग स्टडी ऑफ केव आर्किटेक्चर और द सिंपल रीजन दैट अर्ली इंडियंस केव टेम्पल्स थे और मोनेस्ट्रीज थे मोनेस्ट्रीज मतलब ये भिक्षु और बुद्धिस्त एंड ऑल रहते थे वो यहाँ पे रहते थे विहार विहार का नाम ही होता है रेसिडेंस तभी आप देखोगे दिल्ली में है मयूर विहार सो so, ये जो विहार है विहार का जो टर्म होता है अक्सर अपार्टमेंट यूज करते हैं ना वाई बिकॉज ये एक रेसिडेंस होता है तो ये मोस्टर होती थी विहार पे होते थे मास्टर पीस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्पेस तो कल हमने एक डेफिनेशन देखी थी आर्किटेक्चर क्या होता है आर्किटेक्चर का डेफिनेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस अवेलेबल यू एस में देखा था ज़्यादा स्पेस है तो बिल्डिंग ज़्यादा लविश है बड़ा बड़ा सब बिल्डिंग्स बना रखा है उन्होंने जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो वहाँ पे कम स्पेस में ज़्यादा एफिशिएंसी और बिल्डिंग वो ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करते हैं तो ये ऑर्गेनाइजिंग स्पेस इज़ द क्राइटेरिया विद ब्यूटी एंड यूटिलिटी इन व्यू एक टिपिकल एग्जाम्पल है अर्ली केव आर्किटेक्चर का इज़ द मोस्ट डेटेबल केव ऑफ ऑल द सो कॉल्ड ये हम आप अक्सर सुनते होंगे लो ऋषि केव ये कि बाराबर हिल इन बिहार में बिहार अगेन एक टाइम पे बिहार बहुत एडवांस माना जाता था बहुत मॉडर्न एंड सब बिहार की तरफ देखते थे कि बिहार इतना फ्लरिश कर रहा है दिस बराबर हिल्स बहुत इंटेलेक्चुअल वे में भी और दिस मिलिट्री एंड ऑल एवरी वे में कैपिटल एंड ऑल एवरी थिंग बिहार वॉज यूज टू बी अ लीडिंग स्टेट ऑफ कंट्री तो ये बराबर हील है बिहार में एंड इंस्क्रिप्शन प्रूव दैट दिट्स वॉज एक्सकेवेटेड फॉर दिस अजीविका सेक्ट अगेन ये स्कूल्स होते हैं तो ये अजीविका सेक्ट बेसिकली हिट्रोडॉक्स स्कूल होता है ये भी अशोका के टाइम पे हुआ सो द केव कार्ड आउट ऑफ द लिविंग इतने फिट का ये केव बना दिया रॉक दिस विद द एंड ऑफ द रूफ

बिहार दिस इज द लोमस ऋषि केव ऑफ बिहार ये ऐसी केव है तो अंदर से केव क्या होती है गुफा खाली होती है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं सपोर्ट सिस्टम लगाते हैं हम यहाँ पे ऐसे सो दिस इज द केव सिस्टम अ कार्व ट्रीज ऑफ एलिफेंट इज अ स्टोन इमिटेशन एंड दिस इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल शोइंग द डेवलपमेंट फॉर मार्डियर शेप्स इन टिम्बर ट्रांसलेटेड इंटू स्टोन अब ये पीरियड आ गया है थर्ड सेंचुरी बीसी का तो ये हमने देखा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग कब से इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो पहले ये क्या थे पहले ये थे वुड और मड मड ब्रिक बैंबू टिम्बर लीव स्ट्रॉ थेच तो ये क्या था लॉन्ग लास्टिंग नहीं था पहले ये मटेरियल यूज़ हो रहा था आर्किटेक्चर में फिर हमने देखा जब ये राजगृह आया राजगृह फोर्टिफिकेशन हुआ देन शिशुपालगढ़ आया देन काली नगर आया यहाँ पे आए स्टोन मैसेंस स्टोन का यूजेज इन्होंने स्टार्ट कर दिया अब स्टोन जो था ये लॉन्ग लास्टिंग था तो ये अपरेंट ट्रांजिशन हमें देखा कहाँ पर अशोका के टाइम पर और एक ये ग्रीक हिस्टोरियन है इंडिका एक बुक भी लिखा है मेगास्थनिस मेगास्थनिस ने काफ़ी इसमें हमें डिटेल दिया ये जो था अर्ली इसमें भी हमें पर्शियन का इन्फ्लुएंस था पर्शिया मतलब मॉडर्न डे ईरान देन ये लिकी, बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज लोमस ऋषि केव ऑफ बिहार सो दिस इज दिस चैप्टर इंडस सिविलाइजेशन आई वुड बी शेयरिंग दिस पी डी एफ इन टेलीग्राम ग्रुप ओके सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू रीड अभी हमने देखा इंडस सिविलाइजेशन अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इस बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर के बारे में सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर and be safe.